नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में और आपके साथ मैं रश गुवारी। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के लिए सियासी दलों ने पूरा जोर लगा दिया और इसी बीच छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने दंतेवाड़ा विधानसभा उपचुनाव को लेकर मंथन का दौर भी शुरू कर दिया है। दंतेवाड़ा विधायक रहे भीमा मंडावी की नक्सल हमले में हुई मौत के बाद इस सीट पर उपचुनाव होना है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल भीमा मंडावी के परिजनों से मिलने के लिए दंतेवाड़ा रवाना हुए। बस्तर लोकसभा चुनाव के चंद घंटों पहले नक्सली हमले में बीजेपी विधायक भीमा मंडावी की मौत हो गई थी। अब बीजेपी उपचुनाव में भीमा मंडावी की पत्नी ओजस्वी मंडावी को अपना उम्मीदवार बना सकती है। बस्तर में बीजेपी की एकमात्र सीट दंतेवाड़ा ही थी, लिहाजा पार्टी की तमाम कोशिश है कि और इस सीट पर बीजेपी का वर्चस्व बरकरार रहे। भीमा की पत्नी को उम्मीदवार बनाने के पीछे सहानुभूति लहर को अपने पक्ष में खड़ा करना भी एक मुख्य वजह बताई जाती है। हालांकि तमाम सियासी गणित के बीच बीजेपी इस बात से इनकार कर रही है कि फिलहाल उपचुनाव को लेकर किसी तरह की रणनीति पर चर्चा हो रही है। ऐसे में हम आज चर्चा करेंगे इसी बेहद ही खास मुद्दे पर दंतेवाड़ा का दंगल में। दंतेवाड़ा रवाना होने से पहले नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि बीजेपी विधायक दल भीमा मंडावी के परिवार के साथ मिलकर बातचीत की जाएगी। उपचुनाव को लेकर कोई चर्चा नहीं है, अभी लोकसभा के परिणाम नहीं आए हैं और उपचुनाव को लेकर नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ है। वो हमारे परिवार के सदस्य हैं और इसलिए उनके बीच जाकर मुलाकात करना हमारी प्राथमिकता है। तो वही बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और पिछली सरकार में मंत्री रह चुके बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि चुनाव की रणनीति को लेकर फिलहाल तो कोई चर्चा नहीं हो रही। भीमा हमारे अभिन्न साथी थे, दो बार एमएलए रहे, वो असमय नक्सलियों के हमले में शहीद हुए। आज विधायक दल परिवार को हिम्मत देने दंतेवाड़ा जा रहे हैं, कल परिजनों से मुलाकात कर हालात की जानकारी लेंगे। परिवार के लिए हम क्या कर सकते हैं उस बारे में हम विचार करेंगे। आज हम लोग यहाँ से दंतेवाड़ा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, जिसमें सम्मानीय बृजमोहन अग्रवाल जी, सुनीतल शर्मा जी, भसीन जी, कृष्णमुख गांधी जी, नारायण चंदेल जी, हमारे पुजारी जी रजेश सिंह जी, रंजना साहू जी, ये सभी लोग आज यहाँ प्रस्थान कर रहे हैं। उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए, उनके परिवार को हिम्मत देने के लिए, साहस देने के लिए और उनकी तकलीफों को जानने के लिए हम यहाँ से दंतेवाड़ा के लिए रवाना हो रहे हैं। कल उनके परिवार से मिलेंगे, उनके परिवार के हालात जानेंगे और उसके बाद में उनके परिवार के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं उसके बारे में विचार करेंगे। इसी बेहद ही खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक बेहद ही खास पैनल रायपुर स्टूडियो में मौजूद है, आइए तारुफ आपका करवा देते हैं। धनंजय ठाकुर हैं, कांग्रेस नेता हैं। धनंजय जी बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। नरेश गुप्ता जी हैं, भाजपा नेता हैं। गुप्ता साहब आपका भी बहुत स्वागत है और रवि भोई वरिष्ठ पत्रकार है। रवि जी आपका भी बहुत स्वागत है। गुप्ता जी सबसे पहले तो आपका ही रुख करना चाहूंगी कि वाकई में कोई उपचुनाव की सुगबुगाहट नहीं है या सिर्फ जो एक औपचारिक मुलाकात होती है वही है ये? देखिए, इसे राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है, चुनाव से कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल, भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने उप नेता के जो शहीद हुए नक्सली हमले पे, उनके परिवार से मिलकर उनके परिवार की स्थिति को समझकर उनके परिवार के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है उस पर चर्चा करने जा रही है। इसका इस दौरे का किसी भी कीमत पर, किसी भी आधार पर कोई आधार नहीं है राजनीतिक रूप से। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इसे राजनीति कोई कलर ना दे, राजनीति से इसे कोई मतलब नहीं है। सर ये आरोप आप लगा रहे हैं कि अनुरोध करके आरोप आप इनडायरेक्टली लगा रहे हैं कि जिस तरह से राजनीतिकरण मीडिया कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। सीधा सवाल मैंने पूछा, सीधा जवाब भी मैंने आपसे चाहा था। हम नहीं कर रहे हैं, हमने किसी के ऊपर आरोप नहीं किया। हमने ये कहा कि इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उस परिवार से मिलने जा रहे हैं जिस परिवार का मुखिया और जो परिवार के भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के उपनेता शहीद हुए नक्सली हमले पे,
उनसे मिलने जा रही है भारतीय जनता पार्टी के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके परिवार की स्थिति को समझने जा रहे हैं और राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है धनंजय जी, राजनीति से किसी तरह का कोई लेना नहीं है, सिर्फ मिलने जा रहे हैं, ढांढस बंधाने जा रहे हैं और क्या कुछ दिक्कतें हैं उसको लेकर चर्चा की जाएगी। मतलब उपचुनाव की सुगबुगाहट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की तो कोई तैयारी नहीं दिख रही जिस तरह से गुप्ता जी कह रहे हैं, आप लोगों की क्या तैयारी? देखिए गौरी जी, निश्चित तौर पर जो दंतेवाड़ा में विधायक भीम अंडाले की निर्मम हत्या नक्सलियों द्वारा की गई है, ये पूरा छत्तीसगढ़ क्षुब्ध है। कांग्रेस पार्टी और प्रदेश सरकार के मुखिया भूपेश बघेल जी सहित पूरा छत्तीसगढ़ इस दुख के घड़ी में भीम अंडाले परिवार के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन जिस प्रकार से राजनीतिक महत्वाकांक्षा से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अब भीम अंडाले के परिवार की याद आई है, इससे स्पष्ट हो जाता है इनकी महत्वाकांक्षा क्या है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जिस समय दंतेवाड़ा में घटना हुई उसके प्राप्त केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह छत्तीसगढ़ आते हैं चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन वो भीमा मंडावी के परिवार के पास जाकर संवेदना प्रकट करने की भी चेष्टा नहीं करते हैं। और अब जब उपचुनाव की जिस प्रकार से आपने अपने डिबेट में शीर्षक रखा है, तो अब उपचुनाव की बात आ रही है, तो इस प्रकार के नेता उसके पास जा रहे तो है, लेकिन इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। खैर भारतीय जनता पार्टी का अपना पर्सनल मसला है, लेकिन जब भी उपचुनाव होंगे कांग्रेस पार्टी जो है उपचुनाव में उतरेगी मैदान पर, और अभी उसकी किसी तिथि घोषित नहीं हुई, ना उसमें नोटिफिकेशन हुआ है। जी बिल्कुल रवि जी, क्योंकि आप लंबे वक्त से छत्तीसगढ़ की राजनीति को देख रहे हैं और लंबे वक्त से आपको भी अनुभव है वहां की पत्रकारिता का, वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते मैं सबसे पहले तो आपसे ही रिएक्शन लेना चाहूंगी अब कि कितना इत्तेफाक आप गुप्ता जी की बातों से रख रहे हैं, क्योंकि वो तो सिरे से इनकार कर रहे हैं लेकिन फिर भी उपचुनाव तो होना है, तो क्या लगता है सहानुभूति की लहर रहेगी या फिर जो मात्र एक सीट दंतेवाड़ा जो भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है इसको खींचने में भी कांग्रेस कामयाब रहेगी? देखिए जहां तक गुप्ता जी ने बात की, ये उनका पक्ष है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो भीमा भंडारी के परिवार से मिलने गए हैं उनके आगे के फ्यूचर के लिए क्या किया जाए इस बारे में चर्चा करने गए, ये बात ठीक है और वो राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन एक बात साफ है कि आने वाले दिनों में वहाँ उपचुनाव होगा और उस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी हिस्सा लेगी। इससे तो शायद गुप्ता जी इनकार नहीं करेंगे, आने वाले शायद सितंबर में 6 महीने पूरे हो जाएंगे तब वहाँ पे इलेक्शन होगा और स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर सिंपैथी गेन करने की कोशिश करेगी और किसी भी तरह से ये करेगी कि वो सीट उसके कब्जे में रहे, और कांग्रेस भी ये चाहेगी कि वो सीट उसको लेके आए और पूरे 12 सीटें हैं बीजेपी कांग्रेस के वहाँ बस्तर में पूरे 12 सीट, लेकिन कहीं न कहीं ये लगता है कि जो विधायक दल वहाँ गया है एक स्थिति का आकलन करने गया है कि क्या संभावनाएं हैं और किस तरह के माहौल हैं और आने वाले उपचुनाव में क्या स्थिति हो सकती है। भले ही उपचुनाव अभी तारीख घोषित नहीं हुई लेकिन एक रणनीति से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल वाकई में, और किसकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी इस पे भी चर्चा लगातार जारी रहेगी हमारी खास पेशकश में दंतेवाड़ा के दंगल में। बहरहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, चर्चा लगातार जारी है। बनाइए हर पल खास सुमित ज्वेलर्स के साथ, जहां मिलती है नई सौगात हर परचेज के साथ। सुमित ज्वेलर्स, हम गढ़ते हैं विश्वास। नमस्कार, मैं हूं मध्य प्रदेश का आपका अपना कार्तिक आर्यन। मुझे मध्य प्रदेश चुनाव आयोग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। आपको पता ही है कि हम सब लोकतंत्र का हिस्सा हैं और वोट देना हमारा अधिकार है, तो चलिए हम सब लोकतंत्र के त्योहार पर वोट देकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। तो याद रहे, इस महात्योहार एक भी वोटर छूटे ना। मुट्ठी भर भ्रष्ट लोग इतने बड़े देश पर राज करते आए अब तक, और जब से चौकीदार आया है सब तिल मिला उठे। ये लोग बहुत बड़े हैं, मोदी ठहरा हमरे जैसा कामदार। अगर मोदी की चिंता है तो मोदी को वोट करो।
ए चाचा जी, हम तो चौकीदार के साथ खड़े चौकीदार हैं। ये देखो फिर एक बार मजबूत चौकीदार, फिर एक बार मोदी सरकार। आशीर्वाद के रूप में इससे सुंदर और प्यारा कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तो ये कहूंगी कि आपकी हर पीढ़ी विश्वास कर सकती है इन पर। अनुपचंद तिलोकचंद ज्वेलर्स, एटी अ सिंबल ऑफ ट्रस्ट। दंडीवाड़ा कदम दल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चर्चा में जाने से पहले रवि जी बता रहे थे कि सहानुभूति लहर तो वाकई में रहेगी, भले इस बात से गुप्ता जी इनकार कर रहे हैं कि चुनावी तैयारियां की जा रही हैं या कुछ और, लेकिन हालांकि आने वाले वक्त में पता चल जाएगा कि जाने का मकसद आखिर क्या था। गुप्ता जी, वाकई में जिस तरह से धनंजय जी कह रहे हैं और रवि जी भी कह रहे हैं, जिस तरह से धनंजय जी ने कहा है कि आपके जो मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, राजनाथ सिंह भी आए हुए थे, वो भी जा सकते थे मुलाकात के लिए, उनकी समस्याओं को जान सकते थे, बताओ गृह मंत्री भी जा सकते थे और पार्टी के शीर्ष नेता होने के नाते भी जा सकते थे, उस वक्त नहीं गए, लंबा एक पूरा कई चरण निकल गए चुनाव के, उसके बाद अब आप लोग भी जिस तरह से जा रहे हैं तो क्यों ना माना जाए कि भाई उपचुनाव की तैयारी कर रहे हैं आप लोग। देखिए, मैंने बहुत शुरुआत में कहा कि इस पर कोई राजनीतिक चर्चा नहीं होनी चाहिए और यह राजनीतिक कतई इशू नहीं है। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि शहीद विधायक जो इस पर भारतीय जनता पार्टी के उपनेता थे, उनके शहीद होने के उपरांत भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारी वहां पर गए, पूर्व मुख्यमंत्री गए, हमारे संगठन महामंत्री गए, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री गए और सारे संगठन के लोग गए। आज पुनः हमारे नेतागण वहां पर गए, उस परिवार से मिलने गए हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ और आपके दर्शकों से विनती करता हूँ कि इस पर राजनीतिक ना करें और सारे राजनीतिक दलों से चलिए हम राजनीतिक पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, आपसे हाथ जोड़कर बारम्बार प्रार्थना करता हूँ कि इसको राजनीतिक कलर मत दीजिए, ये राजनीतिक कलर मत दीजिए। आपसे धर्मबद्ध प्रार्थना करता हूँ, इसे राजनीतिक कलर बिल्कुल मत दीजिए, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। गुप्ता जी, आपने परिवार से मिलने जा रहे हैं, उसे अंधकार देकर उस शहादत को खराब मत करिए। ठीक है गुप्ता जी, अनुरोध है गुप्ता जी, आपका एक बार का अनुरोध भी हमें समझ में आ गया, आपका एक बार का अनुरोध हमें समझ में आ गया, आपने एक बार हाथ जोड़ के अनुरोध कर दिया, हम समझ गए। तो क्या हम मान लें कि भारतीय जनता पार्टी दंतेवाड़ा से किसी भी कैंडिडेट को चुनाव में नहीं उतारेगी, क्या हम ये मान लें? आप ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, आज वह समय नहीं है। मैंने आपको बोला आज मैं राजनीति पर इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक गण और हमारे नेतागण वहां पर उस शहीद विधायक के परिवार से मिलने गए हैं, यह समय नहीं है। आपसे मैं अनुरोध कर रहा हूं, फिर आप उस पर राजनीति चर्चा न कराएं, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। अच्छा धनंजय जी, चर्चा नहीं हो सकती क्योंकि गुप्ता जी को लग रहा है यहाँ पे राजनीतिकरण किया जा रहा है, राजनीतिक चर्चा हो रही है। देखिए गौरी जी, किस एंगल से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता हैं नरेंद्र गुप्ता जी, उनकी भी अपनी एक संवेदना है। जो विधायक जो शहीद हुए दिवंगत जो विधायक हैं भीमा मंडावी के प्रति, निश्चित तौर पर, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता आज वहां गए हुए हैं तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा भारतीय जनता पार्टी वहां पे दिख रही है। देखिए, मैंने आपसे अनुरोध किया धनंजय जी, मैंने आपसे अनुरोध किया इसे राजनीतिक स्वरूप न दें, आप राजनीतिक स्वरूप न दें। आप बताइए, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, एक विधायक नक्सली हमला में शहीद होते हैं और उस परिवार से संवेदना व्यक्त करने जाना, और राजनीतिक स्वरूप मत दें, आप राजनीतिक स्वरूप मत दें उसे। मैं अपने पैनल को भी अनुरोध करता हूँ उसे राजनीतिक स्वरूप न दें, पैनल को निचले स्तर मत ले जाए किसी राजनीति को, उस निचले स्तर तक न ले जाए धनंजय। झीरम घाटी के वक्त भी काश इन्हीं संवेदनाओं को व्यक्त किया होता तो शायद इस तरह की राजनीतिकरण हर चर्चा में नहीं होती। दिवंगत विधायक भीमा मंडावी के परिवार साथ खड़ा हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक महत्वाकांक्षा दिख रहा है,
इस पे चर्चा हो रही है और चर्चा क्यों ना हो आपके केंद्रीय गृह किसी शहीद विधायक पर मिलने जाना उनसे मिलने राजनीतिक स्वरूप राजनीतिक दल के विरोध पर प्रभाव कर पाऊँ कहीं ना कहीं राजनीतिक जमीन उस परिवार को ढाबा बनाना या राजनीतिक चुपचाप चले जाते बिना बताए चुपचाप चले जाते गुप्ता जी चुपचाप चले जाते मीडिया को बाइट नहीं देते चुपचाप चले जाते तो शायद चर्चा भी नहीं होती मीडिया को बुला के आप जा रहे हैं भाई आप बता रहे हैं आप ढिंढोरा पीट रहे हैं भाई आप ढिंढोरा पीट रहे हैं तो आपसे सवाल भी ना किया जाए आपसे सवाल ना किया जाए आपसे सवाल ना किया जाए आप ऐसा बयान मत कराइए सर आपसे सवाल नहीं किया जाए मैं अपने सहभागी कांग्रेस के नेता से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ एक शहीद विधायक परिवार से मिलने जाना राजनीतिक स्वरूप मत दो उसे राजनीतिक स्वरूप मत दो साहब राजनीति के लिए समय बचा है एक पीड़ित पक्षकार से एक पीड़ित विधायक से मिलने जाना राजनीति न करे आप सभी से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ रवि जी झीरम घाटी के वक्त हमने देखा था कई एक लाइन एक मिनट बहुत संक्षेप में बहुत संक्षेप में जी 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 गौरी जी जी बहुत संक्षेप में मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूँ भविष्य में जब भी आप कभी संवेदना प्रकट करने जाएं तो कृपया करके मीडिया को बुलाना बुलाएं चुपचाप चले जाएं कि संवेदना बटोरना और संवेदना देना दोनों में अंतर होता है मीडिया और ये और मीडिया पे क्या बोला है ये भी समझिए आप उस पर राजनीति ना करें साहब ना करें आप सुना के धरेंगे बुलाते हैं ये भी राजनीति का स्तर है आपके एक ने तो बात करता है आप ये राजनीति का स्तर है राजनीति का स्तर हमने राजनीति का स्तर राजनीति के स्तर के बारे में मत बताइए सर राजनीति का स्तर हमने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की का जब देहांत हुआ था जब उनके अस्थियों का विसर्जन किया जा रहा था तत्कालीन सरकार के कैबिनेट मंत्रियों को भी हमने हंसी ठिठोली करते हुए हमने तब भी देखा था राजनीति के स्तर पर चर्चा ना ही की जाए तो ज्यादा बेहतर होगा गुप्ता जी क्योंकि हम आम में सब नंगे होते हैं इसलिए रवि जी जी बिल्कुल रवि रवि जी ठीक है ठीक है ठीक है मैं रवि जी से रिमार्क लेना चाहूंगी मैं रवि जी से उसके बाद उस पर राजनीतिक बयानबाजी ना करें ना मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती शायद गुप्ता जी शायद गुप्ता जी आपके पास सवालों के जवाब नहीं है इसलिए आप बार बार हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं शायद आपके पास सवालों के जवाब नहीं इसलिए आप हाथ जोड़कर बार बार विनती कर रहे हैं तो आप अगर सवाल का जवाब नहीं देना चाहते तो आप सीधे बोल दीजिए सीधे बोल दीजिए सर शहादत को राजनीतिक स्वरूप मत दें जिस घर ने अपना सब कुछ छोड़ा है झीरम घाटी के वक्त नहीं समझ में आया तंत्र के ऊपर कितनी बड़ी आस्था है झीरम घाटी के वक्त नहीं समझ में आया जब झीरम घाटी नरसंहार हुआ था तब नहीं समझ में आया रवि जी प्रजातंत्र पर कितनी बड़ी आस्था है रवि जी ऐसा निचला स्तर राजनीति का जब किसी दूसरी पार्टी के साथ होता है तो कथनी करनी अलग होती है जब हमसे सवाल किए जाएंगे तब हमारी कथनी करनी में फर्क आ जाएगा ये राजनीति का स्तर है देखिए अब गुप्ता जी कह रहे हैं ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है राजनीति नहीं होनी चाहिए चलिए उनकी बात को मान लेना चाहिए सवाल ये है कि हम जानना चाहते हैं कि वहाँ विधायक गए हैं तो क्या ढांढस बधाएंगे उनके परिवार को ये भी नहीं बता रहे पार्टी को पूरी गोद लेगी पार्टी उनके परिवार को तो ये जनता को जवाब उनको मिल के आने दीजिए ना आपको पता चल जाएगा मिल के आने तो दीजिए यहीं से सब कुछ मिलने के बाद ही तो समझ में आएगा हम क्यों जा रहे हैं ये जानकारी देखिए हम राजनीति इसमें नहीं कर रहे और ये राजनीतिक आने वाले दिनों में राजनीति होगी इससे कोई इनकार नहीं कर सकता आज के वक्त ठीक है आप कह रहे हैं राजनीति नहीं होनी चाहिए शहादत है शहीद परिवार है उनके घर पर उनके परिवार से विधायक मिलने के क्या ढांढस बनाएंगे आगे क्या योजना है आपकी ये तो जनता को जवाब देनी चाहिए गौरी जी आज जनता को जवाब देने का वो स्थिति जी राजनीति जी अभी स्थिति नहीं है पार्टी के प्रवक्ता की बात नहीं है यहाँ पे गांधी कहते हैं कि भविष्य में भारतीय जनता पार्टी जब भी दंतेवाड़ा में चुनाव होगा जो विधायक वहाँ जा रहे हैं वो बोल रहे हैं हत्या हुई है उसे राजी नहीं करेंगे भारतीय जनता पार्टी नहीं है गारंटी देते हैं राजनीति जब भी वहाँ चुनाव होगा सत्ता जो है जो शहीद परिवार है उससे मुल्ला इनको आपत्तिजनक लग रहा है शहीद परिवार के प्रति ढांढस बनाना भी
इस प्रदेश राजनाथ सिंह क्यों नहीं गए? क्या राजनाथ सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है? उनके पास दोहरी जिम्मेदारी है, केंद्रीय गृह मंत्री है, यदि तय करना हो रहा है तो क्या बताऊं भाई, अच्छे राजनीतिक सोरों ने गिरिराज मंत्री राजनाथ सिंह जी सोच पर क्यों नहीं गए? क्या भारतीय जनता ही परवाह देते हैं? हो गया भविष्य में जब दंतेवाड़ा के उपचुनाव होगा तो भाजपा जो है जो विधायक जो दंतेवाड़ा है दिवंगत जिनकी निर्मम हत्या है उस पर आरती नहीं करेंगे, इस बात की गारंटी देते हैं। ठीक है गुप्ता जी, गुप्ता जी सवाल का जवाब दीजिए। गुप्ता जी ठीक है, गुप्ता जी राजेश गुप्ता जी सवाल का जवाब दीजिए। गुप्ता जी दिक्कत है, आपके साथ सवाल नहीं सुनते हैं आप, परिवार से मिलने ना आप सुनते ही हैं ना। राजेश गुप्ता जी सवाल सुनिए ना, सवाल सुनिए ना, आप सवाल ही नहीं सुनते हैं आप, सवाल नहीं आपकी आवश्यकता लगी तो आप जा रहे हैं। नरेश गुप्ता जी दिक्कत है, आप सवाल नहीं सुनते हैं। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि उपचुनाव होंगे तो आप इस जिस तरह से वो जो नक्सलियों ने जो पूरा इस वारदात को अंजाम दिया था, आप इस चुनाव के समय राजनीति होगी ना, आज आज उस लेकिन आज नहीं ठीक है राजनीति। आपके कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी जब उपचुनाव होंगे सितंबर अक्टूबर में जब शहीद हो गया हो उस परिवार से मिलने के लिए उसके विधायक साथी ना जाए। ठीक है सर, अरे ये क्या चाहते हैं? ठीक है सर, हम समझ गए, हम समझ गए, दर्शक भी समझ गए, सोच है हम भी समझ गए, हम उनसे मिलने ना जाए, हमारे विधायक का परिवार शहीद हो जाए, हम उनसे मिलने ना जाए। नहीं आप लेने जाइए, आप लेने जाइए, लेकिन हम आपसे सवाल नहीं पूछे। भाषण नहीं दीजिए, एक एक करके बोलिए। चाहूंगी गुप्ता जी आप प्लीज पानी पी लीजिए। जी जी बताइए जी, जी आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क चाहूंगी सर। जी जी बोलिए जी सर, मैं संक्षेप जी गुप्ता जी की बात है। जी 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 गुप्ता जी कह रहे हैं राजनीति नहीं होनी चाहिए, ढांढस बंधाने गए परिवार से मिलने, एक शहीद विधायक के घर गए, इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए और नहीं भी है, पर आने वाले दिनों में निश्चित तौर से वहाँ उपचुनाव होगा, ऐसे में कोई भी दल वहाँ जाता है परिस्थितियों का आकलन करना, तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है और एक प्रक्रिया है,
तो वहाँ विधायक गए, चलिए दोनों काम हो जाएगा, उनके परिवार के लोगों से ढांढस भी बना देंगे, उनसे मिल भी लेंगे और वहाँ के राजनीतिक आकलन नहीं, तो कोई राजनीतिक आकलन करने नहीं गई है, मैं क्षमा कर रहा हूँ, कोई राजनीतिक आकलन करने नहीं गए, हम अपने मित्र परिवार से मिलने गए हैं। ये ठीक है, आपके परिवार से मिलने गए हैं, पर आप उस दिन भी गए थे जिस दिन हुआ था बहुत सारा, अब आप भी जा रहे हैं, आते समय आने वाले समय में जाएंगे, पर आने वाले दिनों में वहाँ पे उपचुनाव होना तय है और वहाँ पे राजनीतिक स्वाभाविक तौर से होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया धनंजय जी चर्चा में शामिल होने के लिए। रवि जी आपका भी बहुत शुक्रिया और धनंजय जी आपका भी, नरेश गुप्ता जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक और प्रदेश अध्यक्ष तमाम लोग भीमा मंडावी के घर गए हैं और चर्चा में हमने देखा कि नरेश गुप्ता जी आंसुओं से रो पड़े और उन्होंने ये कहा कि भाई इस पूरे प्रकरण पे राजनीति नहीं की जाना चाहिए। हालांकि इमोशनल कार्ड यहाँ पे गुप्ता जी भी खेल गए हैं, हालांकि अब इस इमोशनल कार्ड खेलने का सबसे ज्यादा वेटेज किसको मिलता है ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। सितंबर में यहाँ पर चुनाव होना है और उपचुनाव में क्या वाकई में ये सहानुभूति की लहर भीमा मंडावी के परिवार के साथ जाती है और भारतीय जनता पार्टी इस सीट को बरकरार रखती है, ये भी हमें आने वाले वक्त में पता चलेगा, या इस एक सीट को भी कांग्रेस अपने कब्जे में ले आती है ये भी हमें सितंबर में पता चल जाएगा। बहरहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।